এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ চৌহদত। দুমাহ পূৰ্বে হৈছিল নিৰুদ্দেহ। দুমাহ ধৰি সন্ধান নাছিল 22 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীৰ। দুমাহ পিছত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ এখন আশ্ৰমৰ কাষৰ মাটিত। মাটিডোখৰ উন্নাও জিলাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফতেহ বাহাদুৰ সিঙৰ। এই ঘটনাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ। पिछले 8 दिसंबर से एक युवती की मौत दर्ज की गई थी और ये उसी की डेड बॉडी आज यहाँ पे बरामद हुई है। इसमें बाद में FIR दर्ज में तर्मीन कर दिया गया था और इसकी CO City द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। युवती गोराकी मृत्यु प्राक्तन मंत्रीजनर पुत्र जड़ित थकार अभियोग। बारंबार परियाले निरुद्देश कन्यार गुसर तरीसिल आरक्षी चकित किन्तु आरक्षी सहयोगिता लाभ नकरारो अभियोग परियालर। कुछ नहीं है, पैसे भर नहीं था हमें संतुष्ट। अगर संतुष्ट होती पुलिस प्रशासन मेरी मदद की होती तो मेरी लड़की जिंदा मिली होती। किसी ने मेरी मजबूरी नहीं समझी, ना ही हम किसी चीज़ से संतुष्ट हुए आज तक। भैया 2 महीने बाद मेरी लड़की की वही लाश खुदवाई गई। अगर पुलिस प्रशासन मेरी मदद की होती तो मेरी लड़की जिंदा मिल गई होती। अभी क्या मांगे हैं? अब हमने मांगा है, हमने मांगा है रजोल सिंह को, सूरज सिंह को फांसी दी जाए। संजय प्रधान हैं, रिंकी हैं, दिव्यानंद आश्रम के साधु हैं, इनको सत्य से सत्य सजा दी जाए। और वो दरोगा जी पहले थे और प्रेम नारायण दीक्षित थे चौकी प्रभारी। उन्होंने पैसा खा के जब मेरी लड़की का मैटर उनके हाथ में गया, तुरंत 1.25 पैसा मेरे सामने दिया गया, लेके ट्रांसफर तुरंत करवा दिए। कहने लगी तुम्हारी लड़की भाग गई है, गुमशुदी के पेपर छपवा दिए। हमें बुलवाया कि ये लड़की के पेपर छपवाओ, तुम्हारी लड़की हो सकता किसी और के साथ में हो। हमने कहा सर इसमें कोई दो राह नहीं है, हमारी लड़की भागने वाली नहीं थी, घर की गार्जियन थी। मरणोत्तर परीक्षा युवती डिंगी से भी हत्या करा बोली रिपोर्ट आई से। 22 জানুয়ারীত নিরুদ্দেশ হয়েছিল 22 বছরীয় যুবতীগৰাকী। ইউপির উন্নাও জেলাত সংঘটিত এই ঘটনায় জোকাৰি গৈছে সমগ্র জেলা। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8। এগৰাকী যুবতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হল এজন প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীৰ ঘৰৰ চৌহদত। দুমাহ পূৰ্বে হৈছিল নিরুদ্দেশ। দুমাহ ধৰি সন্ধান নাছিল 22 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীৰ। দুমাহ পিছত উদ্ধাৰ হ'ল মৃতদেহ এখন আশ্ৰমৰ কাষৰ মাটিত। মাটিডোখৰ উন্নাও জিলাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ফতেহ বাহাদুৰ সিঙৰ। এই ঘটনাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ। পিছলে 8 দিসম্বৰ से एक युवती की मौत दर्ज की गई थी और ये उसी की डेड बॉडी आज यहाँ पे बरामद हुई है। इसमें बाद में FIR दर्ज में तर्मीन कर दिया गया था और इसकी CO City द्वारा विवेचना की जा रही थी। इसमें जिसके ऊपर संदेही आरोपी था उसको हमने गिरफ्तार किया था। उसके बाद में भी कुछ और सूत्रों के अनुसार हम लोग अपनी जानकारी कर रहे थे। आज उन्हीं के कंक्लूजन के आधार पर आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की गई है और इसमें हम आगे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे और जो लोग भी इसमें शामिल रहे इस घटना में उसको हम निश्चित तौर पर सजा दिलाएंगे। যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীজনৰ পুত্ৰ জড়িত থকাৰ অভিযোগ। বাৰম্বাৰ পৰিয়ালে নিৰুদ্দেশ কন্যাৰ গোচৰ তৰিছিল আৰক্ষী চকীত কিন্তু আৰক্ষীৰ সহযোগিতা লাভ নকৰাৰো অভিযোগ পৰিয়ালৰ। কুচ নেহি হে পাইছে ভাল নেহি থা হামে সন্তুষ্ট। আগে সন্তুষ্ট হতি পুলিচ প্ৰশাসন মেৰি মদত কি হতি তো মেৰি লড়কী জিন্দা মিলি হতি। কিছি নে মেৰি মজবুৰী নেহি সমঝি, না হি হম কিছি চিজ সে সন্তুষ্ট হুৱে আজ তক। ভিয়া 2 महीने बाद मेरी लड़की की वही लाश खुदवाई गई। अगर पुलिस प्रशासन मेरी मदद की होती तो मेरी लड़की जिंदा मिल गई होती। अभी क्या मांगे हैं? अब हमने मांगा है, हमने मांगा है रजोल सिंह को, सूरज सिंह को फांसी दी जाए। संजय प्रधान हैं, रिंकी हैं,
दिव्यानंद आश्रम के साधु हैं, इनको सत्य से सत्य सजा दीजिए। दरोगा जी पहले थे और प्रेम नारायण दीक्षित थे चौकी पर भारी, उन्होंने पैसा खा के जब मेरी लड़की का मैटर उनके हाथ में गया, तुरंत एक इटाइची पैसा मेरे सामने दिया गया, लेके ट्रांसफर तुरंत करवा दिए। कहने लगी तुम्हारी लड़की भाग गई है, गुमसुदी के पेपर छपवा दिए, हमें बुलवाया कि ये लड़की के पेपर छपवा हो, तुम्हारी लड़की हो सकता किसी और के साथ में हो। हमने कहा सर इसमें कोई दो राह नहीं है, हमारी लड़की भागने वाली नहीं थी, घर की गार्जियन थी। मरणोत्तर परीक्षा युवती डिंगी सेवी हत्या करा बुली रिपोर्ट आहिसे। 22 জানুয়ারীত নিরুদ্দেশ হয়েছিল 22 বছরীয় যুবতীগী। ইউপির উন্নাও জেলাত সংঘটিত এই ঘটনায় জোকারি গেছে সমগ্র জেলা। ব্যুরো রিপোর্ট, টাইম 8।